ब्रथ सर्किल, आज हम देंगे इस चैप्टर का फुल बेसिक कंसेप्ट। तो ब्रथ स्टार्ट करने से पहले होता क्या है ब्रथ, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो सबसे पहले देखिए ब्रथ क्या होता है, पहले इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। ब्रथ उन बिंदुओं का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदा समान होती है। देखिए ब्रथ उन बिंदुओं का, ऐसे व्रत उन बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी बहुत सारे बिंदुओं से मिलके जो पाथ बनेगा, कैसा पाथ, इन सभी बिंदुओं की किसी स्थिर बिंदु, ऐसे इन सभी बिंदुओं की किसी स्थिर बिंदु से अगर दूरी समान रहती है तो ये जो पाथ बनेगा उसे, पाथ का मतलब इस पाथ से यानी इस रास्ते से मिलके जो पाथ बनेगा इसे हम व्रत कहते हैं। दोबारा फिर सुने, ब्रत उन बिंदु का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदा समान होती है। इस स्थिर बिंदु को हम बोलते हैं ब्रत का केंद्र, और जो स्थिर दूरी होती है ये वाली, इसे बोलते हैं हम ब्रत की त्रिज्या, ब्रत की त्रिज्या। तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी, आप और इसको अच्छे दे सकते हैं। देखिए ब्रत उन बिंदु का बिंदु पथ है जिनकी एक स्थिर बिंदु से दूरी सदा समान रहती है। इस स्थिर बिंदु को ब्रत का केंद्र तथा स्थिर दूरी को ब्रत की त्रिज्या कहते हैं। अब देखिए समझते हैं ब्रत के प्रकार। देखिए कई प्रकार के ब्रत होते हैं, मुख्य रूप से चार प्रकार के ब्रत हैं, वैसे तीन हैं, जो चौथा है वो तीसरे का ही एक रूप होता है। तो सबसे पहला ब्रत होता है जब ब्रत का जो केंद्र है वो मूल बिंदु पे होता है, तो वो ब्रत इस तरह से यहाँ पे बनता है, जब ब्रत का केंद्र क्या होता है, मूल बिंदु होता है। दूसरे टाइप का जो ब्रत है उसमें ये वाला जो ब्रत है उठ के यहाँ पर आ जाता है, यानी कि चतुर्थांश में आ जाता है, ठीक है। और तीसरे टाइप का जो ब्रत है तब है जब उसके ब्यास के सिरे दिए हों, यानी कि ब्यास के सिरे के निर्देशांक अगर हमें दे रखे हैं इस तरह से, तो ये तीसरे टाइप का ब्रत है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट टाइप का ब्रत। तो सबसे पहला जो ब्रत है वो किस टाइप का, जब केंद्र 0 0, वो इस टाइप का। तो यहाँ पे देखिए कोई सा भी ब्रत हो, इस सभी में हम एक्स और वाई लेंगे, ठीक है। और जैसे देखिए ये एक्स वाई लिया तो ये एक्स हो जाएगा और ये वाई हो जाएगा। मान लीजिए इसकी त्रिज्या ए है, और चूंकि ये मूल बिंदु है, ये बिंदु पी एक्स कोमा वाई है, तो ओ पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए। और ओ पी क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू कितना है, इसकी रेडियस। अब देखिए हम इसका स्क्वायर कर दें तो फर्स्ट टाइप का ब्रथ निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का ब्रथ। तो चलिए इसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप का फर्स्ट टाइप का ब्रथ है, ब्रथ का समीकरण जब ब्रथ का केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या ए हो, इस तरह का हो, तो समीकरण हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दें, चाहे इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, दोनों से ही ये ब्रत का समीकरण प्राप्त हो जाता है। और जो सेकंड टाइप का ब्रत है वो अभी हमने आपको दिखाया था, तो सेकंड टाइप का ब्रत देखिए इस टाइप का है। इसका भी देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसके जो केंद्र है, ब्रत का समीकरण जब ब्रत का केंद्र एच के तथा त्रिज्या ए हो, तो केंद्र एच के है, त्रिज्या ए है, तो यहाँ पे कोई बिंदु पी हमने ले लिया एक्स कोमा वाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी सी पी इजिकल टू क्या हुआ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर किया और सी पी के स्थान पर हमने रख दिया ए। तो ये है सेकंड टाइप का व्रत। और तीसरे टाइप का व्रत क्या है, जब उसके ब्यास के सिरे के निर्देशांक दिए हो। देखिए इस तरह से अगर हमें ब्यास के सिरे के निर्देशांक दे रखे हैं, ये दे रखा है एक्स वन वाई वन बी एक्स टू वाई टू, और व्रत पर स्थित कोई बिंदु पी एक्स कोमा वाई है। ये पी तो कोई से भी टाइप का व्रत हो सभी में आपको मिलेगा। तो ए बी ब्यास है और यहाँ पे पी ए और पी बी को हमने मिलाया, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो ए पी की स्लोप यानी स्लोप ऑफ ए पी और पी बी का स्लोप स्लोप ऑफ पी बी, दोनों का गुणनफल कितना होगा माइनस वन। तो यहाँ स्लोप क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे स्लोप निकाला, दूसरा स्लोप निकाला और इनको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करी, तो ये तृतीय प्रकार का जो व्रत है वो हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए जो चौथा व्रत होता है वो कैसा होता है उसके बारे में हम बता दें। तो जो चौथा टाइप का जो व्रत है वो जो दूसरे टाइप का व्रत है उसी का एक रूप होता है। दूसरे टाइप का व्रत क्या है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी इसी का एक प्रकार है। अब देखिए अगर हमें इसको सॉल्व कर लूँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के टू एच एक्स, ठीक है। इसी तरह दूसरा वाला सॉल्व करें, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के टू के वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और सोल्व करें, तो एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू एच एक्स माइनस के टू के वाई, और ये प्लस का एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, अब इसके स्थान पे हम एच के स्थान पे, यानी कि एच के स्थान पे लिख दें हम माइनस जी, और के स्थान पे लिख दें माइनस एफ। तो देखिए यहाँ पे एक नया समीकरण आ जाएगा, इसे ही हम कहते हैं वृत्त का व्यापक समीकरण। जब एच के स्थान पर माइनस जी रखेंगे तो ये हो जाएगा टू जी एक्स, और के स्थान पर माइनस एफ रखेंगे तो ये हो जाएगा टू एफ वाई, और इसके स्थान में पूरे के स्थान पर हम रखेंगे सी, यानी कि सी इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, और ये जो समीकरण होती है ये कहलाती है वृत्त की व्यापक समीकरण, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, जो कहलाती है वृत्त की व्यापक समीकरण। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम त्रिज्या अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे त्रिज्या क्या है, ए है, तो अगर हम ए निकालें तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का सी। अब इसका वर्गमूल ले लें तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और एच की जगह क्या रख दें हम, जी रख दें, तो ये त्रिज्या का फॉर्मूला आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, यहाँ पे सी है। ठीक है, तो अगर हमें त्रिज्या निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, यानी वृत्त का जो व्यापक समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एच टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, और इसके जो केंद्र होंगे, जो पहले वाला वृत्त था उसके केंद्र थे एच कोमा के। अब एच की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, के की वैल्यू कितनी है, माइनस के एफ। तो जो नया वृत्त है यानी व्यापक समीकरण, इसका केंद्र होगा माइनस जी माइनस एफ, और त्रिज्या होगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी। तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो मैंने अभी किया है वही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कुछ नोट करने वाली बातें जो ध्यान देंगे आप, पहले तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया, ये आगे समीकरण। अब यहाँ पर देखिए ये जो त्रिज्या हमने निकाली है, केंद्र योग है त्रिज्या जो निकाली ये वाली, इससे हम सर्किल की जो है प्रकृति भी बता सकते हैं। कैसे, अगर त्रिज्या क्या हो, जीरो से बड़ी हो, जीरो से बड़ी का मतलब तीन चार पाँच है, तो वो एक रियल सर्किल होता है। ठीक है, और अगर त्रिज्या जीरो के बराबर है तो वो पॉइंट सर्किल होता है। ये देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें काम आता है। और जो तीसरे टाइप है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी जीरो से छोटी है त्रिज्या, तो इसका मतलब वो सर्किल नहीं है, वो केवल इमेजिनरी है काल्पनिक। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वृत्त की कुछ विशेष स्थितियां होती हैं। विशेष स्थिति से मतलब क्या होता है कि वृत्त जब एक्स अक्ष को स्पर्श करे, तो एक्स अक्ष को कैसे स्पर्श कर सकता है, एक तो प्रथम चतुर्थांश में रह के स्पर्श कर सकता है, द्वितीय चतुर्थांश में रह के भी एक्स अक्ष को स्पर्श कर सकता है, ये एक्स अक्ष है और ये है वाई अक्ष। ठीक है, और तृतीय चतुर्थांश में भी ऐसे करके स्पर्श कर सकता है एक्स अक्ष को, और चतुर्थ चतुर्थांश में भी एक्स अक्ष को इस तरह से स्पर्श कर सकता है। ठीक है, दूसरी स्थिति ऐसे होगी वृत्त वाई अक्ष को स्पर्श करे, वाई अक्ष को कैसे कर सकता, इस तरह कर सकता है वाई अक्ष को स्पर्श, ऐसे पहले चतुर्थांश में इस तरह से। ठीक है, अब तीसरी स्थिति हो सकती है कि वृत्त जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करे, तो एक्स अक्ष वाई अक्ष को भी चार प्रकार से कर सकता है, देखिए एक तो ऐसे कर सकता है, एक ऐसे और एक ऐसे एक ऐसे। ठीक है, दोबारा फिर सुने, एक स्थिति एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है, तीसरी है एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है। ठीक है, तीसरी स्थिति है वृत्त जो है मूल बिंदु से होके जाता है और एक्स अक्ष पे काटता है, तो मूल बिंदु से होके जाता है इस तरह से। ठीक है, तो मूल बिंदु से भी जा रहा है और एक्स अक्ष को काट रहा है, इसी की एक कंडीशन ये होगी कि वृत्त जो है मूल बिंदु से जाता है और वाई अक्ष को काटता है, ऐसा करके देखिए। तो ये पांच टाइप की यानी विशेष परिस्थितियां हैं जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, वाई अक्ष को स्पर्श करता है, एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, और वृत्त मूल बिंदु से होकर जाता है, तो दो प्रकार से जाएगा, इस तरह से और इस तरह से। अब देखिए इन पांचों की अलग अलग इक्वेशन क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। तो लीजिए सबसे पहले देखिए वृत्तों की कुछ विशेष परिस्थितियां तो क्या है। सबसे पहले जब वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श करता है, अगर देखिए एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा तो इस टाइप का फिगर होगा, और इक्वेशन कैसे होगी, देखिए वृत्त का समीकरण है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो प्रथम चतुर्थांश में है तो सब कुछ सेम टू सेम रह जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर त्रिज्या जो हो जाएगी, जो सेकंड कोऑर्डिनेट होगा इसका वो त्रिज्या हो जाएगी।
यहाँ पे सभी में देखिए खास बात क्या है कि अगर वृत्त एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो के जो होगी वो त्रिज्या हो जाएगी। तो जहाँ त्रिज्या उसके स्थान पर के रख देंगे और देखिए जहाँ माइनस आ गया है वहाँ पे प्लस कर देंगे वृत्त के समीकरण में। यहाँ देखिए दोनों में माइनस होता है, यहाँ दोनों प्लस हो गए हैं और यहाँ पे के माइनस में है तो के वाला प्लस हो गया और त्रिज्या के स्थान में क्या आ गया, के आ गया। सेकेंड कंडीशन है ये वाली, जब वृत्त बाह्यज को स्पर्श करता है, तो जब बाह्यज को स्पर्श करेगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, जो एच वाला कोऑर्डिनेट है यानी जब बाह्यज को स्पर्श करेगा ये दिख रहा है आपको, तो ये जो पहला वाला एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी यानी एच जो है उसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, बाकी जैसे हमने पहले वाले में किया था, आप देखिए प्लस प्लस है तो प्लस में रहेगा, कहीं पे माइनस आ जाएगा तो ये माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, ये प्लस हो गया है और यहाँ देखिए ये दोनों माइनस होने की वजह से ये प्लस हो गया और तीसरे वाले में के माइनस होने की वजह से के वाला प्लस हो गया। और इसमें जो खास बात यह है कि वृत्त जब बाह्यज को स्पर्श करेगा तो उसका जो एच होगी वो त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से जो तीसरा टाइप हमने बताया था कि वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करता है, तो देखिए जब वृत्त एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को स्पर्श करेगा तो इस तरह की कंडीशन होगी। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को स्पर्श कर रहा, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे यहाँ से दूरी अगर ए रेडियस इसकी ए है ये वाली, तो ये भी ए हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो सेम टू सेम हो जाएंगे। ए कोमा ए सेकेंड कोऑर्डिनेट में चतुर्थांश के हिसाब से माइनस ए कोमा जीरो, तृतीय चतुर्थांश में माइनस ए कोमा माइनस ए और जो चतुर्थ चतुर्थांश होगा उसमें ए कोमा माइनस ए। ठीक है, अब इसी हिसाब से वृत्त की समीकरण क्या हुई, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बाय माइनस ए का होल स्क्वायर और रेडियस के स्थान में क्या है ए, यानी यहाँ पे एच की वैल्यू भी ए है और जो के है वो भी ए है और जो रेडियस है वो भी ए है। तो यहाँ पर देखिए तृतीय चतुर्थांश में क्या, यहाँ पे ए माइनस की होने की वजह से ये वाला प्लस हो गया, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होने की वजह से दोनों प्लस हो गए, यहाँ पे देखिए ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया और जो चतुर्थ चतुर्थांश है यहाँ पर सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस होने की वजह से ये बाय वाला प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया तीसरे प्रकार। अब देखिए जो चौथा प्रकार हमने बताया था, जब मूल बिंदु से जाता है, तो वृत्त मूल बिंदु से जाएगा तो क्या होगा, तो खास बात है वो ये है कि वृत्त मूल बिंदु से जाता है और एक्स अक्ष को काट रहा है, तो इसका एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा और वाई वाला जो होगा वो जीरो हो जाएगा और वाई वाला जीरो होने की वजह से वृत्त की इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और त्रिज्या कितनी हो जाएगी, जो एच होगा वो इसकी त्रिज्या बन जाएगी। ठीक, अगर यही अगर इस साइड में बनता है तो यहाँ पर क्या है एच के स्थान पर माइनस एच हो जाएगा, तो इससे क्या होगा इक्वेशन में जहाँ प्लस है उसे माइनस हो जाएगा। तो ये आपको कुछ याद नहीं करनी, केवल समझना है कि अगर ऐसी कंडीशन है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी और उसके केंद्र क्या होंगे। देखिए जब भी सर्किल अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी त्रिज्या तो वही रहती है जो होगी, ठीक है, उसके केंद्र चेंज हो जाते हैं, तो त्रिज्या भी क्या होगी, क्या होगी जो केंद्र होते हैं उसके हिसाब से इसकी त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा टाइप हमने बताया था, क्या वृत्त मूल बिंदु से जा रहा है पांचवा टाइप लेकिन बाय शो काट रहा है, तो यहाँ देखिए इस टाइप का होगा, तो इस टाइप का होने से क्या होगा, देखिए त्रिज्या जो हो जाएगी जो सेकेंड कोऑर्डिनेट है वो त्रिज्या हो जाएगी, केंद्र इसके जीरो कोमा के, क्योंकि वाई एक्स पे एक्स का मान जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, यहाँ भी देखिए एक्स एक्स वाई एक्स पे एक्स का मान जीरो होता है, तो एक्स माइनस एच एच के स्थान पे जीरो है, वाई माइनस के स्थान पे के है और त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी के, इसी तरह से ये वाला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट है कि कोई रेखा किसी वृत्त को कब स्पर्श करती है, जैसे मान लीजिए कोई सर्किल है और ये इस सर्किल को कोई रेखा स्पर्श कर रही है इस तरह से, तो इसकी कंडीशन क्या है, तो रेखा है चूंकि हम जानते हैं रेखा जो होती है वो इस टाइप की होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ठीक है, और जो इसका केंद्र होगा मान लीजिए केंद्र क्या है इसका एच कॉमा के है। ठीक है, हमने पहले वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा है कि कोई रेखा इस टाइप की हो और उसे मतलब एक्स वन बाई वन से लंब की माप निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है क्या होता है कि एक्स के स्थान में पहला बिंदु लिख देते हैं और जो दूसरा है वाई के स्थान पर दूसरा बिंदु प्लस अपॉन में क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये कोई रेखा किसी वृत्त को कब स्पर्श करेगी, तो रेखा वृत्त को तब स्पर्श करेगी जब इसके केंद्र से इस रेखा पर लंब की माप, यानी कि इसे कोई भी मान लीजिए ये ओ है ये ए मान लीजिए, ओ ए जो हो किसके बराबर हो यानी वृत्त की जो त्रिज्या हो इस रेखा पर लंब की माप के बराबर हो, और लंब की माप क्या होगी इस बिंदु से जब इस रेखा पर लंब की माप निकालेंगे तो ए एक्स के स्थान पर जाएगा एच प्लस के बी, वाई के स्थान पर जाएगा दूसरा बिंदु के और प्लस के सी अपॉन
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ओए की जगह क्या लगा देंगे हम यहाँ पे आर लगा देंगे, ठीक है। तो इसको मैं दिखा देते हैं, कोई भी रेखा किसी वृत्त को तब स्पर्श करती है जब केंद्र से रेखा पर लंब की माप किसके बराबर हो, वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। तो यहाँ पर देखिए ये हमने कराया सरल रेखा द्वारा वृत्त को स्पर्श करने का प्रतिबंध, क्या होना चाहिए वृत्त की त्रिज्या किसके बराबर होनी चाहिए, केंद्र एच को मैं कैसे रेखा इतने पर लंब की माप, और लंब की माप कैसे निकलती है, जो एक्स होता है उसके स्थान पर पहला कोऑर्डिनेट रख देते हैं और जो वाई होता है उसके स्थान पर सेकंड कोऑर्डिनेट रख देते हैं, ठीक है। और अपोन में क्या आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये देखिए जो हमने पहला चैप्टर कराया था उससे हम इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा था कि अगर कोऑर्डिनेट को आपको अच्छे से समझना है तो जो स्टार्टिंग का जो चैप्टर हमने कराया है पहला और दूसरा वो आपको बहुत अच्छे से करना जरूरी है, तभी आगे की कोऑर्डिनेट समझ में आएगी। अब देखिए व्रत हमने स्टार्ट किया और तुरंत पीछे वाले जो चैप्टर है वो यूज होने चालू हो गए, अगर आपके पहले चैप्टर वीक रहेंगे तो आपको आगे चल के और भी दिक्कत आने वाली है। अगर आपको कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे से करनी है तो जो हमने कोऑर्डिनेट करा रहे हैं शुरू से, तो बिल्कुल शुरू से बिल्कुल पक्का करते चलिए, जो पहले चैप्टर कराया उसको पक्का करिए फिर दूसरे वाले को, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति, यानी कि कोई वृत्त हो तो हमें ये बताना है कि कोई बिंदु है वो वृत्त के बाहर है या अंदर है या उसके परिधि। तो मान लीजिए बिंदु क्या है, ये x1 y1 है वही बिंदु, और इसका जो केंद्र है वो माइनस जी और माइनस एफ है, ठीक है। अब ये बताना है कि ये जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर है या बाहर है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो मान लिया हमने, कुछ मान लेते हैं त्रिज्या a ले लो, तो हमें ये बताना है कि ये जो बिंदु है वृत्त के अंदर है या बाहर है वृत्त की परिधि पर। तो अब देखिए बिंदु की केंद्र से दूरी अगर बड़ी हो, ठीक किससे हो, त्रिज्या से बड़ी हो, तो बिंदु कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। अगर बिंदु की केंद्र से दूरी छोटी हो किससे, त्रिज्या से, तो बिंदु जो होगा वृत्त के अंदर होगा। और यदि बिंदु की केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर है तो वो बिंदु जो होगा वृत्त की परिधि पर होगा, ठीक है। अब इसकी देखिए एक तरीका तो यह है कि ओ की और पी की दूरी निकाल लीजिए और इसे तुलना कर दीजिए। एक शॉर्ट तरीका भी है जो इसी कंडीशन को सॉल्व करके आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखिए ये पहला किसी बिंदु की वृत्त के सापेक्ष स्थिति याद करना, बिंदु x1 by 1 वृत्त के बाहर स्थित होगा, कब होगा वृत्त के बाहर, जब OP जो है यानी कि O से P तक की जो दूरी है वो बड़ी होगी किससे, त्रिज्या से। दूरी कैसे निकलती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा दिया देखिए हमने यहाँ पे, और A के स्थान पर त्रिज्या के स्थान पर लिख दिया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के सी, दोनों पक्षों से रूट हटाया और यहाँ पर देखिए हमने इसको सोल्व किया तो ये आ गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो इक्वेशन आ रही है ये वृत्त की इक्वेशन होती है, यानी कि जो वृत्त की इक्वेशन होती है व्यापक समीकरण उसे तो हम बोलते हैं एस, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टू जी एस टू एफ वाई प्लस सी, और इसमें एक्स वाई के स्थान पर अगर हम ये वाले पॉइंट रख दें तो वो बन जाता है एस वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन आ रही है, तो इसका मतलब हम इस पूरे को इतने को एस वन कह सकते हैं, ठीक है, एस वन। तो यानी कि एस वन क्या है, वो जीरो से बड़ा है, जब S1 जीरो से बड़ा है तो बिंदु कहाँ पर है, बाहर की ओर है। अब S1 जीरो के बराबर हो जाए यानी कि वृत्त की परिधि पर होगा, कब होगा, जब OP किसके बराबर हो जाएगा, OA, यानी कि ये वाली जो दूरी है वो रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यानी S1 जीरो है तो वृत्त की परिधि पर होगा, और अगर S1 क्या है, जीरो से छोटा है, S1 का मतलब क्या है, जो पॉइंट हमें दे रखे हैं वो पॉइंट वृत्त की इक्वेशन में रख दें, और रखने पे जो वैल्यू सोलो के आए वो अगर जीरो से बड़ी है तो बाहर होगा, और जीरो है तो वृत्त की परिधि पर होगा, और वो माइनस में है तो वृत्त के अंदर होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है देखिए व्यापक द्विघात समीकरण इतने से वृत्त निरूपित करेगा। अब देखिए ये हमने पहले वाला जो चैप्टर पढ़ाया था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन उसमें ये आया था, तो ये वहां पर क्या करता था, मूल बिंदु से जाने वाली ये जो है दो रेखाओं का संयुक्त समीकरण प्रदर्शित करता था, एस टाइप मूल बिंदु वाली नहीं, मूल बिंदु वाली में केवल इतना भाग होता है ये वाला, ठीक है, और इसमें अगर ये वाला भाग और जुड़ जाता है तो वो दो सरल रेखाओं का युग्म निरूपित करता था, पहले चैप्टर में हमने बताया था। लेकिन कब करता था, जब डेल्टा इक्वल टू जीरो, अगर ये डेल्टा जीरो हो जाता है तो ये दो सरल रेखाओं का युग्म निरूपित करता है, और इससे जो हमने सांकप की बेसिक वीडियो बनाई थी वहां भी हमने बताया था ये रेखा युग्म कब निरूपित करता है, जब इस टाइप का जो सांकप है यहाँ जो शीर्ष है, अगर यहाँ पे समतल को हम रखें, ठीक है, ये समतल इस तरह से काटें कि इसका जो बीटा है बीटा है वो क्या हो, जीरो अल्फा से छोटा हो, बीटा लेस देन हो अल्फा, यानी कि
समतल और अक्ष के बीच का जो कोण है इसके शीर्ष कोण से कम हो, वहां हमने इसको बी कहा था और इसे कहा था ए। अगर बी ए से छोटा है, बी ए से छोटे का मतलब समतल और अक्ष के बीच का जो कोण है वो ए से छोटा, यानी अति प्रबल वाली कंडीशन थी। एक थी यहाँ पर देखिए बी बी बड़ा हो ए से, तो बी बड़ा ओ से होता तो दीर्घवृत्त बन जाता था, बी बराबर ए है तो बन जाता था परवलय, ठीक है परवलय इस टाइप का ये वाला। और अगर बी जो है लेस देन है ए से तो बनता अति प्रबलय। तो अति प्रबलय वाली कंडीशन ही है, जब बी लेस देन ए हो तो क्या होता है डेल्टा इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है वो हमने पहली वीडियो बनाई थी वहां आपको क्लियर किया था ठीक। और यहाँ पे अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब ये जो समतल है वो इस पॉइंट पे नहीं यहाँ पे काट रहा है इस तरह से। जब ये समतल यहाँ पे काटता है तो इसकी चार कंडीशन है ठीक है। तो क्या कंडीशन है इसमें सबसे सब, चूंकि हम यहाँ व्रत पढ़ रहे हैं तो केवल मैं यहाँ व्रत पे डिस्कस करूंगा क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा खींच जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा नॉन इक्वल टू जीरो, डेल्टा नॉन इक्वल टू जीरो का मतलब है कि समतल द्विशंकु को ऊपर काटना चाहिए। जीरो कब होता है जब ये समतल इसको वर्टेक्स पे काटता है ठीक है। साथ में एक तो ये कंडीशन, दूसरी अगर देखिए ये ए बराबर बी हो जाए, यहाँ से ए बराबर क्या हो जाए बी, तो यहाँ से ए और बी हटने से ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे ये वाला पोर्शन जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए ए बराबर बी हो जाए तो वो क्या करेगा एक वृत्त को निरूपित करेगा। कब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि समतल जो है प्लेन से द्विशंकु को ऊपर की ओर काट रहा है या यहाँ पे काटेगा ठीक है। और ए इक्वल टू बी मतलब एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक बराबर होना चाहिए, एच जीरो होना चाहिए ठीक है। अगर ऐसा है तो वो द्विघात समीकरण व्यापक द्विघात समीकरण एक व्रत को निरूपित करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है दो व्रतों का संपर्क, दो व्रतों का जो संपर्क है वो पांच प्रकार से होता है। देखिए कैसे जरा ध्यान समझना। पहला संपर्क यह है कि दोनों व्रत बाह्यता स्पर्श करते हैं, तो बाह्यता स्पर्श करने का मतलब इस प्रकार से। दूसरा है दोनों व्रत अंत स्पर्श करते हैं, अंत स्पर्श का मतलब इस तरह से ठीक है। और तीसरा टाइप का है दोनों व्रत एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद करने का मतलब ये। और चौथा टाइप है दोनों व्रत जो है एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, यानी दूर दूर है ठीक है। तीसरा है पांचवा है कि एक व्रत दूसरे व्रत के अंदर की ओर है, ना तो स्पर्श कर रहा है वो अंदर की ओर है। तो इन पांचों की अलग अलग कंडीशन होती है। अब मान लीजिए जो एक बड़ा व्रत है, बड़ा व्रत का जो त्रिज्या है वो आर वन मान लीजिए, सेंटर मान लीजिए सी वन, और जो छोटा व्रत है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर टू, और जो सेंटर है सी टू है। तो बाह्यता स्पर्श करते हैं जब केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि सी वन सी टू बराबर हो त्रिज्याओं का योग। अगर ऐसा है तो दोनों व्रत जो है बाह्यता स्पर्श करेंगे। अब देखिए अंदर स्पर्श कब करेंगे, अंदर स्पर्श करने के लिए अब यहाँ पे सेंटर इसका सी वन इसका सी टू, चलिए मैं इसको अलग अलग दिखाई देता हूँ आपको। देखिए ये तो दो व्रतों का संपर्क बाह्यता स्पर्श और अंत स्पर्श। अब देखिए यहाँ पे इसका सेंटर सी वन इसका सी टू त्रिज्या आर वन आर टू है, तो अगर दोनों व्रत बाह्यता स्पर्श करते हैं तो केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होना चाहिए। अंदर की ओर कब स्पर्श करेंगे, जब देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे कि केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आर वन है, आर वन में से अगर ये आर टू माइनस कर दें इतना आर टू माइनस कर दें तो ये वाला भाग किसके बराबर हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। अगर केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर है तो वो अंत स्पर्श करेगा। यहाँ पर मोड क्यों लगाया गया, क्योंकि अंतर आर वन माइनस आर टू भी हो सकता है, आर टू माइनस आर वन भी हो सकता है ठीक है। अब जो तीसरी कंडीशन है वो तीसरी कंडीशन क्या, देखिए इस तरह व्रत दोनों को स्पर्श प्रतिच्छेद करें, तो प्रतिच्छेद करेगा तो किसकी कंडीशन क्या बनेगी, देखिए केंद्रों के बीच की दूरी सी वन सी टू। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखिए सी वन आर वन है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर टू है, यानी कि इतनी दूरी जो है वो बढ़ रही है, यानी सफेद वाली जो बीच में, यानी कि केंद्रों के जो बीच की दूरी है देखिए केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो छोटी होगी किससे आर वन प्लस आर टू से। अगर हम दोनों त्रिज्या को जोड़ेंगे तो केंद्रों के बीच की दूरी आर वन आर टू के योग से कम होनी चाहिए, या केंद्रों के बीच की दूरी इनके अंतर से अधिक होनी चाहिए। अंतर से अधिक क्यों, जब हम अंतर लेंगे तो बीच वाला भाग कम हो जाएगा, कम होने की वजह से यहाँ पर ये छोटा हो जाएगा, और जब हम इसमें प्लस करेंगे तो बीच वाला भाग यानी कि जो व्हाइट रंग का बीच वाला एरो के बीच में जो बना हुआ इस तरह से ये वाला भाग अंतर करने पे कम हो जा रहा है, कम हो जा रहा है तो इसका मतलब केंद्रों के बीच की दूरी अधिक हो जाती है, और प्लस करने पे ये वाला इतना भाग जुड़ जाता है, जुड़ जाने की वजह से केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो त्रिज्याओं के योग से कम होगी।
चौथी कंडीशन क्या है, चौथी और पांचवी कंडीशन ये है, यदि एक व्रत दूसरे व्रत से पूर्णतः बाहर हो, इस तरह से हो और बाहर की ओर है, तो केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो त्रिज्याओं के योग से अधिक होगी। जो रेड वाला भाग आपको दिख रहा है, जो रेड पॉइंट बना हुआ, ये दूरी बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, ज्यादा हो गई, किसे, त्रिज्याओं के योग से। और अगर दोनों व्रत, एक व्रत दूसरे व्रत के अंदर है पूर्णतः से, तो क्या होगा, केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी उनके अंतर से कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो रेड वाला भाग है ये कम हो जाएगा, केंद्रों के बीच की दूरी यानी सी वन सी टू क्या होगा, उनके अंतर से आर वन यानी इतनी दूरी यहाँ से कम हो जाएगी ये वाली, ठीक है। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आर वन माइनस आर टू और इतनी और कम हो गई, तो केंद्रों के जो बीच की दूरी होगी वो कम होगी, इससे इनके त्रिज्याओं के अंतर से, ठीक है। तो ये पांच कंडीशन है। अब देखिए नेक्स्ट है प्राचलिक समीकरण। तो प्राचलिक समीकरण क्या होती है, जब एक्स दो चर हो, एक्स और वाई, एक्स और वाई और दो चरों का किसी तीसरे चर के साथ रिलेशन हो, तीसरा चर मान लीजिए थीटा है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक चर हो उनका, यहाँ पर चूंकि व्रत पढ़ रहे हैं तो दो ही चर होंगे, जब दो चर एक्स और वाई का किसी तीसरे चर के साथ संबंध हो, तो इन संबंध को बनाने वाली जो इक्वेशन होगी उसे हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं, और प्राचलिक समीकरण में जो तीसरा वाला चर होता है उसे हम प्राचल बोलते हैं। तो प्राचलिक समीकरण निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर केंद्र उसका मूल बिंदु पर है, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए पी एक्स कोमा वाई है, और जो तीसरा चर है वो क्या मान लिया हमने, थीटा है, और इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो यहाँ पे अगर हम आधार बटे कर्ण से निकालें तो ये आएगा आर कोस थीटा, लंब बटे कर्ण से निकालें तो आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक्स बराबर हो जाएगा आर कोस थीटा, अगर त्रिज्या इसकी आर है, अगर त्रिज्या ए लेंगे तो ए कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा। अभी हमने क्या कहा था, अगर एक्स और वाई किसी तीसरे चर के साथ कोई संबंध बना रहे हैं, तो उन संबंध को बनाने वाली जो समीकरण होती हैं उन्हें हम प्राचलिक समीकरण कहते हैं, यानी x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा, क्या कहेंगे, प्राचलिक समीकरण। और जो थीटा होगा इसे हम कहेंगे प्राचल, क्या बोलेंगे इसको, प्राचल, ठीक है। अब देखिए इसी की डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, और तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन हमने लिख दी है, जब चर राशि x तथा y पृथक पृथक किसी तीसरी चर राशि पर निर्भर करते हैं, तो x तथा y का तीसरी चर राशि से संबंध दिखाने वाले समीकरण प्राचलिक समीकरण कहलाते हैं। इस तीसरी चर राशि को प्राचल कहते हैं, यानी तीसरी चर राशि क्या है यहाँ पर, थीटा, तो थीटा को हम क्या कहेंगे, प्राचल कहेंगे। अब देखिए अगर व्रत इस टाइप का जो आपको चित्र सामने दिख रहा, तो इसकी इक्वेशन यह ली है एक्स इजिकल टू आर कोस थीटा, वाई इजिकल टू आर साइन थीटा। अब अगर इस टाइप का व्रत है तो उसकी जो प्राचलिक समीकरण होंगी ये होंगी। तो इसे बड़ी, इसे देखिए जो सेकेंड और थर्ड है इनको याद करने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से इनको कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसके स्थान पे जब हम x माइनस h के स्थान पे आपको क्या रख देना, r cos थीटा रख देना, r cos थीटा, तो x और r कितना जाएगा, h प्लस के r cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ देखिए यह आ गया h प्लस के r cos थीटा, इसकी जगह क्या रखेंगे हम, y माइनस के स्थान पर r sin थीटा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, k प्लस के r sin। अब जो तीसरे टाइप का है उसमें हम जानते हैं एच के स्थान पे माइनस जी होता है, के स्थान पे माइनस एफ होता है, ठीक है। तो मेनली आपको बस फर्स्ट वाला ध्यान रहना चाहिए, बाकी ये दोनों इसी की सहायता से हेल्प से याद कर सकते हैं। तो प्राचलिक समीकरण में जो एक्स बराबर आर कोस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा, इनको प्राचलिक समीकरण, और जो थीटा है वो प्राचल कहलाता है। डेफिनेशन ऊपर हमने लिख दी, बहुत अच्छी से डेफिनेशन ये लिखी, आराम से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है किसी व्रत द्वारा अंतखंड की लंबाई। अब व्रत द्वारा अंतखंड की लंबाई क्या होती है, पहले तो इसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्रत है और वो एक्स अक्ष वाई अक्ष दोनों को इस तरह काटता है, तो इन व्रतों द्वारा अंतखंड की लंबाई, ये वाली लंबाई, ठीक है। तो ये कैसे निकाली जाती है ये हम बताएंगे। चूंकि व्रत दो बिंदुओं पर काट रहा है, तो पहला जो बिंदु होगा मान लीजिए एक्स वन कोमा जीरो है, और जो दूसरा बिंदु है वो एक्स टू कोमा जीरो है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, क्योंकि x, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देता हूं, देखिए ऐसे, तो यहां से जो बिंदु है वो है एक्स वन कोमा जीरो, तो इसका मतलब मूल बिंदु से यहां तक की जो दूरी है वो x1 हो गई, यानी जो पॉइंट है मान लीजिए एक्स टू कोमा जीरो है, तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो एक्स टू हो गई। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन, यानी व्रत द्वारा एक्स एक्स पर कटे अंतखंड की माप हो गई एक्स टू माइनस एक्स वन। इसी तरह से जो व्रत बाई एक्स पे जो अंतखंड काटेगा वो ये वाला काटेगा, ये वाला सी डी, और ये जो काटा है इसने ए और बी, तो सी डी कितनी होगी,
सी डी भी देखिए वही, यहाँ से ये वाला कोऑर्डिनेट मान लीजिए 0, y1 और जो दूसरा कोऑर्डिनेट है 0, y2, क्योंकि वाई एक्स पे एक्स का मान 0 होता है। ये वाली दूरी हो गई y1 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई y2, तो अंतःखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी y2 - k y1, ये हो गई अंतःखंड की लंबाई। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं जो वृत्त की समीकरण होती है वो होती है x2 + y2 + 2gx + k2fy + k c = 0। अब चूंकि वृत्त एक्स एच को काट रहा है तो जब एक्स एच को काटेगा तो वाई वाला जो पोर्शन होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो समीकरण आएगी वो आएगी x2 + 2gx + k c = 0। यहाँ पर देखिए चूंकि ये द्विघात समीकरण है तो x के दो मान होंगे, मान लीजिए दो मान कौन से हैं, वो x1 और x2, ठीक है, यानी दो मूल होंगे। और जब ये दो मूल होंगे तो हम जानते हैं मूलों का योग x1 + x2 = -b / a, b के स्थान में क्या है यहाँ पे 2g, यानी कि -2g, और मूलों का गुणनफल x1 × x2 = c / a, यानी c। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, अंतर निकालना, x1 - x2 निकालना। तो x1 - x2 को हम क्या लिख सकते हैं, x2 - x1 लिखा जा सकता है अंडर रूट में, देखिए x1 + x2 + x1² - 4x1 - x2, ये लिख सकते हैं। इसके स्थान पे तो ये रख देंगे 4g², इसके स्थान पे ये रख देंगे c यहाँ पे, और सोल्व होकर अंतःखंड की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा कुशल कुशल हो गया। ये देखिए ये अक्षों पर कटे अंतःखंड की लंबाई, तो जब व्रत ये एक्स को काटता है तो y = 0 रखेंगे तो द्विघात समीकरण आ गई, मूलों का योग निकाल लिया हमने, ये आ गया, और यहाँ से मूलों का गुणनफल आ गया। ठीक है, एक्स एच में कटता अंतःखंड की क्या है, x2 - x1, कैसे है ये मैंने अभी आपको बताया था, x2 में से x1 माइनस कर दिया, ये आ गया। और इसके इसको हम ऐसा ले सकते हैं रूट के रूप में, x1 + x2 - 4x1 - x2, इनकी वैल्यू रख दें, x1 + x2 कितनी है, -2g, यानी 4g² -4g, 4 बाहर ले लेंगे 2 हो जाएगा, तो ये कहलाएगा एक्स एच पर कटे अंतःखंड की माप। इसी प्रकार से जब ये वृत्त वाई एच को काटेगा तो क्या होगा, एक्स वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो वाई के रूप में द्विघात समीकरण आएगी और वाई के दो मान होंगे, वो मान लीजिए y1 और y2 है, तो वहां से मूलों का योग, मूलों का गुणनफल और जो अंतर होगा वो कहलाएगा वाई एच पर अंतःखंड की माप, और उसकी हेल्प से ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने इसकी वृत्त की जितनी जानकारी है वो दे दी, कुछ और भी है जो अलग है स्पेशल, तो यहाँ तक की जो जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको सर्किल के बारे में होगी जितनी हमने बता दी है, तभी आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।